हेलो दोस्तों, मैं मंजू। आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे देसी स्टाइल में बिरयानी बनाना। तो चलिए शुरू करते हैं। बिरयानी बनाने के लिए हम एक कप या गिलास, आप लोग अपने अनुसार चावल लीजिएगा जिस हिसाब से आप लोग को बनाना हो। हम दो लोगों के लिए बना रहे हैं तो एक छोटे गिलास से चावल लिए और उसको दो तीन बार अच्छे साफ से धुलकर रख दिए हैं। अब इधर हम अपना कुकर गैस के ऊपर रखें और उसमें तेल डालें। तेल जब मेरा गर्म हो जाएगा तो हम प्याज को फ्राई करेंगे। फ्राई करके निकाल लेंगे। जब तक अच्छे से गोल्डन नहीं हो जाएगा तब तक उसको फ्राई करेंगे। और देखिए मेरा गोल्डन हो चुका है। हम इसको दूसरे प्लेट में निकाल कर रख लिए हैं। अब हम इसमें खड़े मसाले डालेंगे। तेज़पत्ता, दालचीनी और बड़ी इलायची, दो लौंग, जीरा, इसको हम डालेंगे उसमें। और आप लोग भी इसी तरीके से बनाइएगा, खाने में बहुत टेस्टी बनता है। अब इसमें हम जो पहले से थोड़ा प्याज बचा के रखे थे उसको फिर से डालेंगे। अच्छे से इसको भी पका लेंगे। अब जब मेरा तड़का हो जाए तब उसमें हम वेजिटेबल मिलाएंगे। आप लोग के पास जो वेजिटेबल हो आप लोग वो सब डाल सकते हैं। मैंने यहाँ गाजर लिया है, शिमला मिर्च, गोभी, हरी मिर्च। अब इसमें हम गरम दूध में केसर डालकर मिलाकर रख देंगे। अगर आप लोग के पास केसर ना हो तो आप लोग स्किप कर सकते हैं। इसको डालने का इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब इसमें हम मसाले डालेंगे। हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला, बिरयानी मसाला। और इसमें बिरयानी मसाला डालने पे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप लोग बिरयानी मसाला ज़रूर डालिएगा। अब इसमें हम अपनी हरे मटर डाल देंगे और अच्छी तरीके से इसको मिलाएंगे। मिलाने के बाद इसमें दही डालेंगे। मैंने एक कटोरी दही ली है। आप लोग जिस अनुसार से चावल लिए हों उस हिसाब से आप दही भी डालिएगा और अच्छे तरीके से मिलाकर पका लेना है। अभी हमें गैस का फ्लेम बंद कर देना है। गरम में इसलिए हम दही नहीं डालेंगे क्योंकि मेरी दही फटे ना। जब ठंडा हो जाए तब आप लोग दही मिलाइएगा। मिलाकर बराबर हम पका लेंगे फिर से। अब इसमें हम नमक डालेंगे। अभी हमें नमक ज़्यादा नहीं डालना है। क्यों नहीं ज़्यादा डालना है अभी आगे चलकर आपको बताएंगे। अब इसमें हम पनीर डाल देंगे। पनीर आप लोग के पास ना हो तो स्किप भी कर सकते हैं। और इसमें चावल डालेंगे और चावल अच्छी तरीके से डालकर फैला लेंगे। अच्छी तरीके से फैला दिए हैं। अब जो हम फ्राई करके प्याज रखे थे उसको ऊपर से डालेंगे। अब इसके ऊपर धनिया डाल देंगे, पनीर डाल देंगे। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, इस तरीके से बना कर देखिएगा। ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है। अब इसमें हम आधा टीस्पून नमक मिलाएंगे। इसलिए मिलाएंगे आधा टीस्पून बाद में नमक कि चावल में भी नमक का स्वाद आ जाए। तो आधा हमें पहले से डालना है, आधा बाद में डालना है अपने स्वाद अनुसार। अब इसमें हम जो दूध में केसर मिला कर रखे उसको डालेंगे। घी डालेंगे। आप लोग के पास घी ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन घी डालने से इसका टेस्ट और ही अच्छा आता है। अब इसमें हम पानी डालेंगे। पानी उतना डालेंगे जिस हिसाब से मेरा चावल हो। और इसको इसमें ढक्कन लगाकर बंद करके रख देंगे
और तेज फ्लेम पर गैस रखेंगे तो सीटी आने तक इसको पकाएंगे। अब मेरी बिरयानी बनकर तैयार हो चुकी है, रेडी। देखते हैं कैसे बनी है। आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी देखने में लग रही है और बहुत खिली खिली बनी हुई है। देखने में भी से पता चल रहा है कितना सॉफ्ट बना चावल उसका बना हुआ है और इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। तो आप लोग ऐसे ज़रूर बनाइएगा। अब इसको हम एक दूसरे प्लेट में खाली कर लेंगे। वाओ, कितनी अच्छी देखने में लग रही है। आज का वीडियो मेरा यहीं तक है और आप लोगों को अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।